अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि लो कॉस्ट जो शर्ट बनाते हैं ना, कि कम खर्चे में शर्ट बनाना हो तो किस तरह बनाया जा सके, और फ्री रेंज के लिए शर्ट जो बनते हैं ना, वो इस तरह बनते हैं कि उन पर खर्चा भी कम आए और बर्ड भी उसके अंदर महफूज रहे। और ये मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह बनाना है। तो पहले तो आपने डिसाइड करना है कि जो आपकी जगह है ना, वो थोड़ी सी ऊंची हो, पानी का लेवल उस तरफ ना हो। और उसके बाद आपने ये देखना कि आपकी ये जो हाइट है ना, ये बुनियाद की जो ईंटों की ये लगी हुई है, ईंटें लगी हुई है, ये आपकी अंदर से 1 फुट ऊपर हो, कि जो बर्ड छोटा होगा तो उसे डायरेक्ट हवा वगैरह सर्दी का मसला ना हो, और पानी भी अंदर इससे अंदर नहीं जाएगा। और उसके बाद आपने जो जाली लगानी है, ये 5 फीट दिख रहा है, 5 से 6 फीट हो सकती है बस, इससे ज़्यादा नहीं लगानी। और ऊपर आपने कुछ भी नहीं लगाना, सिर्फ ये आयरन के जो इस तरह एंगल लगे हुए हैं और ये पैप लगे हुए हैं, बस ये आपने लगाने हैं। उसका इसका जो फासला है, ये 6 फीट की तरह रखना है आपने। और इसके ऊपर हम तरपाल और इस चीज़ें के वाटरप्रूफ तरपाल वगैरह डालेंगे, और दूसरा इसके ऊपर जीन्स का कपड़ा डलेगा, वो टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा। और दूसरी चीज़ आपने ये भी ख्याल रखना कि आपकी जो शर्ट की डायरेक्शन है ना, वो मशरक़ के मगरिब की तरफ हो, शुमाल से जनूब ना हो, तो उसका ये मसला होगा कि जो सूरज सनलाइट है ना, वो डायरेक्ट पड़ेगी उसके ऊपर, और उसके अंदर टेम्परेचर जो मेंटेन नहीं होगा। और ये आपने चीज़ें ख़ास ख्याल रखना है इसका, कि आपका शर्ट जो है ना, मशरक से मगरिब तक हो। और दूसरी इसके ऊपर अब मैं शीटें वगैरह डाल के आपको दोबारा इसकी फुटेज दिखाता हूँ उसकी। फाइनली शीटें डल चुकी हैं, वाटरप्रूफ जो शीट थी, और अब मैं आपको इसके अंदर लेके जाता हूँ आपको, और दिखाता हूँ अंदर से किस तरह। ये आ गया हमारा दरवाज़ा, मेन डोर आ गया, और ये देख रहे हैं आप, वाटरप्रूफ जो शीट है ये सारी इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर लग चुकी है। और अब हम इसके ऊपर जो जीन्स का कपड़ा है वो डालेंगे, जो सर्दी को रोकने के लिए, मतलब उसके ऊपर टेम्परेचर अंदर कंट्रोल रहेगा, इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं आएगी अंदर, और गर्मियों में उसका जो हीट है उसको मेंटेन करने के लिए। आप देख रहे हैं ये मुकम्मल लग चुका है। अब मैं इसके ऊपर दूसरी लगाता हूँ और फिर आपको बाकी ही दिखाता हूँ। जीन्स वाला कपड़ा जो हमारा है वो डल चुका है, और डला तो बहुत मुश्किल से है, एक दो लड़कों की हेल्प से ऊपर डाला, बहुत मुश्किल से। ये काफ़ी भारा होता है ना, तो इसलिए इसका वज़न भी काफ़ी था। तो इसके डालने के बाद आपने ख्याल रखना कि आपने ये चीज़ इसे ना ऊपर से ये रस्सियों से बांध देना है इस तरह से, जब आप फोल्ड करेंगे वो भी इसके अंदर आपकी फोल्डिंग इसके अंदर आ जाएगी, बांधने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक जब आंधी वगैरह चलती है ना, तो आपका जो कपड़ा ना ऊपर से उठेगा नहीं, इस तरह हो सकता है कि आंधी बहुत ज़्यादा चले तो कपड़ा इस तरह ऊपर को उठ जाए, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। अगर आपका बर्ड अंदर होगा तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए आपको ये चाहिए कि आप इस तरह हुक लगा लें, ये हुक लगा लें आप इस तरह, तो ये हुक लगा के फिर आपको ये रस्सी जो है ना, ये आप दूसरी तरफ फेंक दें, दूसरी तरफ भी सेम इसी जगह पर हुक लगी हुई है, तो आप बांध दें इसे। इसी तरह आपने एक शुरू से बांध देना, और फिर एक सेंटर से बांध देना, फिर एक एंड पर आपने बांध देना। तो मेरे तो मैंने ये काली लगाई थी, तो उससे बाद दूसरे दिन आज भी देख रहे हैं आप, हवा चल रही होगी वीडियो में। तो अगर शर्ट की बात करें तो साइज़ इसका है 16x32 और स्क्वायर फीट है 512, और कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो ब्रिक्स हैं, ईंटें वो 15,000 रुपये की हैं, सीमेंट 2400 रुपये का है, और सैंड और कंक्रीट्स, रेत और अगर बजरी का वो 1,000 रुपये की है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो इसको लाने में ख़र्चा पड़ा है वो 800 रुपये है, और जो इसके ऊपर मिस्त्री और मज़दूर लगे हैं, लेबर कॉस्ट, वो 2 दिन के लिए लगे थे, वो 3900 रुपये हैं। और अगर आयरन की बात करें तो 23,000 रुपये का इस पर लोहा आयरन लगा हुआ है, और उसे काटने के लिए आयरन कटर ब्लेड लगे हुए हैं 300 रुपये के, वेल्डर लेबर जो उसको वेल्ड करने के लिए लेबर थी उसके 6,000 रुपये हैं, और उसे लोहे को फार्म तक पहुँचाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है,
ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है वो 500 रुपये है, और जो मैश है जाली वगैरह इसके ऊपर लगी हुई है वो 8,000 रुपये की है। और मैश तो मैंने खुद लगाई थी, जाली अगर आप किसी से लगवाएंगे तो 1,000-1,500 रुपये में लग जाएगी, मैंने 1,000 रुपये उसका ऐड कर दिया है। जो वाटर प्रूफ टरपोलिन है वो 12,000 रुपये की है, जो मैंने ऑरेंज वाली आपको दिखाई है। और कन्वेंस टरपोलिन जो मैं बता रहा हूँ जीन्स की, वो 11,000 रुपये की। इस तरह टोटल करें तो 83,900 रुपये आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, तो आपका ये शेड 83,900 रुपये का मुकम्मल तैयार हो जाएगा। फ्री रेंज के लिए ये शेड तो बेस्ट है, अगर आप इसके अंदर मुश्किल बर्ड को रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं, मतलब एक एक स्क्वायर फुट में एक बर्ड आएगा तो इसके तकरीबन इसके अंदर आप 1,000 बर्ड रख सकते हैं। उसके लिए थोड़ी सी इसके अंदर वो बैठने के लिए परिंदों के लिए जगह बनानी पड़ेगी, इसे आप 1,000 बर्ड के लिए इस शेड को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप टेम्परेचर आपके इलाके में ज़्यादा मतलब गर्म रहता है, 40-50 के ऊपर चला जाता है, तो आपको चाहिए कि इसके लिए, वैसे भी अगर 40 के आसपास भी रहता है तो आपको चाहिए कि इसके साइडों पर ना आप दरख्त वगैरह लगाएं, टेम्परेचर इसके अंदर मेंटेन रहेगा। और बर्ड को गर्मी में, जब जून जुलाई की गर्मी पड़ती है तो उसमें आपको ज़्यादा मसला नहीं होगा, बर्ड इसके अंदर ज़्यादा भी हो तो मेंटेन रह जाएगा। अगर गर्मी में बर्ड ज़्यादा हो तो फिर शेड में हीट ज़्यादा बन जाती है, इसलिए आपको चाहिए कि इसके साइडों पर दरख्त वगैरह लगाएँ, वो टेम्परेचर कंट्रोल करें, और आपकी शीट की लाइफ भी ज़्यादा हो जाएगी। जब आपके पास ये दरख्त वगैरह बड़े हो जाएंगे ना, इस तरह मैंने इधर शेड ये छोटा सा बस एक बनाया था, इसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी, लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में या ऊपर वीडियो के ऊपर में आ जाएगा। तो इसके पास भी ये दरख्त लगा हुआ है, इसी तरह मैंने इसके आसपास दरख्त लगा दिए, एक दो साल के बाद ये दरख्त वगैरह भी हो जाएंगे तो फिर मेरी ये शीट वगैरह ना इसकी लाइफ ज़्यादा रहेगी। वैसे तो ये 2 साल तक तो आपके पास निकाल जाएगी, 2 साल बहुत हैं इसके पास। और ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।